सबसे पहले होम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब वैसे भी हमारा देश नंबर वन पर आ गया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में। हेलो, क्या हाल है आप सबके। आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आसपास पूरी दुनिया, ये सब क्या है? वातावरण, एनवायरमेंट, हमारे जितने भी सराउंडिंग, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये सब के सब एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। एनवायरमेंट का मतलब मेरे सराउंडिंग जो भी है वो एनवायरमेंट है। अब एनवायरमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है या हम एनवायरमेंट के लिए कितना जरूरी है, हमें एनवायरमेंट से क्या क्या चीजें मिलती हैं और क्या चीजें नहीं मिलती, हम किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण बन रहे हैं और किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रही है, ये सब इस चैप्टर में करना हमने। एनवायरमेंट में दो पार्ट्स, दो एलिमेंट्स, बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग एलिमेंट्स और नॉन लिविंग एलिमेंट्स, दोनों ही हमारे सराउंडिंग्स होते हैं, या तो वो जीवित चीजें हैं या वो निर्जीव चीजें हैं। चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो एनवायरमेंट बहुत अच्छी तरीके से प्ले करता है। सबसे पहले एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है रिसोर्सेस। किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए। आपको प्रोडक्शन के लिए जितने भी रिसोर्सेस चाहिए, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो, सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, प्रोवाइड होते हैं एनवायरमेंट से। और एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, जितना भी वेस्ट है वो एनवायरमेंट क्या कर लेता है, अपना ले देता है, सारा वेस्ट अपना लेता है एनवायरमेंट। जैसे माता पिता अपने बच्चों के सारे दुख को हर लेते हैं, इसी तरीके से हमारा एनवायरमेंट भी हमारे सारे वेस्ट को क्या करता है, अपना लेता है। एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, एनवायरमेंट ही लाइफ को सस्टेन करता है। एंड इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, और जितनी भी एस्थेटिक सर्विसेज है ये ही एनवायरमेंट की बदौलत है कि जो हमें खूबसूरती मिलती है, हमें सुंदरता देखने को मिलती है, ये सब भी पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। घूमने जाते हैं ना, वहां कोई भी दृश्य अच्छा लग रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे कॉज है एनवायरमेंट का। आगे पढ़ते हैं एनवायरमेंट क्राइसिस के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब वैसे भी हमारा देश नंबर वन पर आ गया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है, हर जगह ये रीजन आ रहा है पूरी इंडियन इको में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये हमारे देश का मेन कॉज बन रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है, लेकिन पॉल्यूशन भी उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, है ना, क्या करने के लिए भैया, रिसोर्सेज का यूज करने के लिए, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो। तो ये सारे रीजन है एनवायरमेंट क्राइसिस के। एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी रिसोर्सेस, कई रिसोर्सेस क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं, दुर्लभ होते जा रहे हैं रिसोर्सेस, तो वो भी एनवायरमेंट क्राइसिस का एक कारण है। एफ्लुएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, हमारा जो प्रोडक्शन और कंजप्शन स्टैंडर्ड है वो क्या हो रहा है, एफ्लुएंट होता जा रहा है। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस, पॉल्यूशन चाहे वो एयर हो या वाटर हो, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीट होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो ग्लोबल वार्मिंग का ही। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर एंड ओशियंस। जब नॉर्मल तापमान भी डगमगा जाए ना, तो इसका मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो वही बता रहे हैं कि इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर एंड ओशियंस, जब एवरेज टेम्परेचर से हिल जाए तो उसे कहते थे कि भैया देश के अंदर क्या आ गया, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है? एक तो बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम,
कोयले का इस्तेमाल हो रहा है भरपूर हो रहा है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल हो रहा है भरपूर हो रहा है, डिफोरेस्टेशन यानी जो जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको क्या कर रहे हैं, वन को हम काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो ये भी रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। और मीथेन गैस है वो रिलीज हो रही है एनिमल वेस्ट से, क्या हो रही है वो मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती जा रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब आगे मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, आइस, आइसक्रीम नहीं आइस, बर्फ पिघलती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है जिससे तूफान, बहुत तरह की चीजें है ना, नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, ट्रॉपिकल डिसीजेस मलेरिया, ये सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है। एनिमल पर भी असर दिख रहा है, आपको पहले बहुत सारे जानवर देखने को मिलते थे अब लेकिन धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इफेक्ट ऑन सीजन यानी पहले क्या होता था कि सर्दियां काफी लंबी तक चलती थी है ना, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है। इसका मतलब क्या हो गया, सीजन के ऊपर भी असर डाल रहा है ग्लोबल वार्मिंग। आगे ओजोन डिप्लीट हो रही है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है और अदर फोर्सेस हैं उनकी वजह से ओजोन लेयर क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ओजोन कम होने के क्या क्या कारण है, एक तो मैंने आपको बताया सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैस है जो कि इस्तेमाल की जाती है ज्यादातर एसी और रेफ्रिजरेटर में, तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ओजोन परत पर। और एक होता है एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड हैलोन्स, ये क्या होती है, ये वो होती है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें यूज होती है, या और भी तरह के बहुत सारे गुड्स होते हैं जिसके अंदर इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हमारी ओजोन को डिप्लीट करती है, खत्म करती है, रिड्यूस करती है धीरे धीरे, ठीक है। फिर उसके बाद ओजोन अगर कम हो जाती है, बार बार जो मैं बोल रहा हूं कि ओजोन इनकी वजह से रिड्यूस होती है, तो ओजोन लेयर रिड्यूस होने के क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, ओजोन अगर डिप्लीट होती है तो उसके क्या इफेक्ट है कि एक यूवी रेडिएशन निकलती है, अल्ट्रावाइलेट रेडिएशन आती है जो कि अर्थ तक पहुंचती है जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, ठीक है, और भी कई तरह के ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट डालती है, इन्फ्यूज द ग्रोथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और इस तरह के प्लांट्स पर भी क्या डालती है, ये असर डालती है ये वाली गैस। यानी ओजोन अगर डिप्लीट होती है तो वो यूवी रेडिएशन छोड़ती है जो कि अर्थ तक आती है, तो यूवी रेडिएशन जब अर्थ पर आएगी डायरेक्ट सीधी, क्योंकि वो उसको रोकती है, ओजोन लेयर क्या करती है यूवी रेडिएशन को रोकती है, लेकिन जब ओजोन लेयर धीरे धीरे रिड्यूस होगी तो जो यूवी रेडिएशन है वो अर्थ पर पड़ने लगेंगी जिसकी वजह से स्किन कैंसर और ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट डालेगी, इन्फ्यूज होगा ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इनके ऊपर भी असर डालेगी, इसलिए इसको रोकना पड़ेगा। अब रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्या था कि कुछ कंट्रीज ने, मेंबर कंट्रीज ने, कुछ मेंबर ने क्या किया, साइनिंग की एक एग्रीमेंट पर कि भैया कंजप्शन प्रोडक्शन रोक दो किसका, सीएफसी गैस का, और ये डिसाइड किया गया 2013 में, 2013 में इसके ऊपर साइन किए काफी मेंबर्स कंट्रीज ने कि इसको रोक दिया जाए। और हमारे इंडिया ने तो भैया 17 नो को कब करा इन्होंने, ये सितंबर में, और इंडिया ने 17 सितंबर को ही 1992 में बोल दिया था कि इस गैस को रोक देना चाहिए, रिड्यूस द बर्डन ऑफ, इससे क्या होगा, रिड्यूस द बर्डन ऑफ सीएफसी इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड हेल्प इन ओजोन रिकवरी, इससे क्या होगा कि जो सीएफसी का जो बर्डन है वो रिड्यूस होगा जिसकी वजह से जो प्रेशर है एटमोस्फेयर पर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ओजोन धीरे धीरे क्या होने लगेगी, रिकवर होने लगेगी, जो ओजोन लेयर हल्की सी हट रही थी वो धीरे धीरे दोबारा से क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमने एक पार्ट कंप्लीट किया, हम फिर वीडियो लेकर आएंगे और आगे पढ़ेंगे, एनवायरमेंट का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बने रहना, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय, जय हिंद।